अब हम बात करेंगे आज के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दोस्तों टाइम था जब फिल्म मेकर्स लाइक राज कपूर यूज टू इनवाइट द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग सर्किट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो इनवाइट करते थे और जितना भी उनकी फिल्म ने प्रोग्रेस किया है वो सीन्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाते थे उनसे राय भी लेते थे एंड अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई सजेशन राज कपूर साहब को अच्छा लगता था हीज टू इनकॉर्पोरेट दो सजेशन इन द फिल्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म वो दिन तो गए आजकल तो प्रोड्यूसर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एन वक्त तक लास्ट मोमेंट तक फिल्म दिखाते ही नहीं है दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स सेल फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्ले ब्लाइंड जी हां वो करोड़ों रुपए में फिल्म खरीदते हैं बट विदाउट सीइंग इवन वन सीन ऑफ द फिल्म और वन शॉट ऑफ द फिल्म बस डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये पता होता था कि स्टार्स कौन है फिल्म में एंड म्यूजिक कैसा है बिकॉज गाने सुनने को मिलते थे बट अदरवाइज दे टू प्ले ब्लाइंड फिर दौर आया कॉर्पोरेट्स का कॉर्पोरेट स्टार्टेड पिकिंग अप फिल्म फॉर वर्ल्ड वाइड यानी वर्ल्ड राइट्स एक कॉर्पोरेट खरीद लेता था फॉर इंस्टेंस यूटीवी ने वेलकम के वर्ल्ड वाइड राइट्स खरीदे द प्रोड्यूसर मेड द फिल्म एंड सोल्ड इट टू यूटीवी फॉर द वर्ल्ड एंड यूटीवी रिलीज इथ इट सेल्फ इन ऑल द सर्किट्स या कभी कभी कुछ इंडिविजुअल सर्किट्स इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं मगर अब जो दौर चल रहा है ना सिर्फ कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड राइट खरीदते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो पहले एक या दो सर्किट खरीदते थे आजकल वर्ल्ड वाइड या ऑल इंडिया राइट खरीदने लग गए हैं फॉर इंस्टेंस रेडी एंड मर्डर टू व परचेस्ड ऑल वर्ल्ड राइट वर्चेस्ड बा चड्डा ऑफ दिल्ली यूपी पहले वो सिर्फ दिल्ली यूपी की टेरिटरी खरीदते थे लेकिन आजकल वो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड राइट्स भी खरीदने लगे हैं सिमिलरली गोवर्धन तनवानी अगेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कम डिस्ट्रीब्यूटर हैड बॉट है ऑल इंडिया राइट्स ऑफ दे राइट्स ऑफ दिल तो बच्चा है जी हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म द डर्टी पिक्चर इट हैज पिक्ड अप फॉर ऑल इंडिया बाय अनिल थडानी अगेन एन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मुंबई सर्किट उन्होंने अफकोर्स राजस्थान और दिल्ली यूपी सर्किट्स में भी कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की है लेकिन पहली बार उन्होंने किसी फिल्म के ऑल इंडिया राइट्स खरीदे हैं एंड दैट पिक्चर इज द डर्टी पिक्चर अब दशहरा पर रिलीज होने वाली रास्किल्स ऑल दोड्यूस बाय विनय चौकसे एंड संजय दत्त टुगेदर इट्स वर्ल्ड वाइड राइट्स हैव बीन अप बाय वीनस वीनस म्यूजिक कंपनी ने इसके वर्ल्ड वाइड राइट्स खरीदे हैं इसका यह मतलब नहीं कि वीनस कंपनी ही वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिलीज करेगी डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदे हैं अब वीनस विल सेल द इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल राइट्स टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ सर्किट के राइट्स वो खुद रखेगी द कंपनी विल रिलीज इट एंड कुछ राइट्स वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देगी फॉर इंस्टेंस दिल्ली यूपी के राइट्स हैव बीन बाय जयंतीलाल गढ़ा ऑफ मुंबई एंड गुप्ता जी ऑफ नॉवल्टी सिनेमा लखनऊ यानी इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया है कंपनी फॉर्म की है और इसके दिल्ली यूपी राइट्स खरीदे हैं

वेंचर के बारे में एंड रास्किल्स के बारे में तो अब हमारे साथ हैं मिस्टर जयंतीलाल गढ़ा एंड मिस्टर ब्रिजेश टंडन जैसा मैंने पहले समझाया जयंतीलाल गढ़ा साहब एंड गुप्ता साहब ऑफ लखनऊ दे हैव ज्वाइन टुगेदर एंड परचेज द दिल्ली यूपी राइट्स ऑफ रास्किल्स एंड दिस फिल्म इज गोइंग टू बी रिलीज इन दिल्ली यूपी फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मिस्टर ब्रिजेश टंडन ब्रिजेश जी और जयंती भाई वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस कोमल नाहटा बोल रहा हूं थैंक यू वेरी मच कोमल जी हाँ जी यू कोमल जी। हाँ जी ब्रिजेश जी जयंती भाई मुझे ये बताइए रास्किल्स आपने और गुप्ता साहब ने मिल के खरीदी है हाँ, yes. इसमें मैं एड करना चाहूंगा एक्चुअली ब्रिजेश जी ने खरीदी है अरे वाह हाँ ब्रिजेश ब्रिजे जी ने दो अच्छे आदमियों को मिलाया इनकी चॉइस इट टेक्स अ गुड मैन इट टेक्स अ गुड मैन टू मेक टू गुड मैन मीट करेक्ट Right, राइट जी हाँ करेक्ट तो इन्होंने बोला कि लखनऊ बॉम्बे और दिल्ली का टाइप कराता <laughs> आप दोनों में आई है अच्छा। गुप्ता साहब को भी ये पहली बार मिला है मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे correct. तो हमने मिनट नहीं लगाई में अरे वाह और मैं देखो आप लोग एक दूसरे को लाइक करते वो तो ठीक है आप सबको फिल्म तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी तो फिल्म देख के लिए कुछ ट्रेलर्स देखे या गाने सुने क्या मतलब कैसे आपने ये डिसीजन लिया आ, आ, कोमल जी इसमें आ, ये बोल सकते हैं कि ना मैं निगोशिएशन में इन्वॉल्व हूँ और ना देखने में इन्वॉल्व हूँ अरे वाह अच्छा हाँ ये हमने टोटल कैप्टनशिप विजय जी को दी थी हम दोनों ने पावर दिए थे कि ये नेगोशिएशन भी आप करोगे चॉइस भी आप करोगे तो ब्रिजेश जी की भी पिक्चर है वही चॉइस करेंगे अरे वाह तो ब्रिजेश जी आप, आपने मतलब रास्किल्स कैसे सेलेक्ट की और क्यों सेलेक्ट की आ, मैंने राष्ट्रे से की कोमल जी की एक तो टीवी में इसके एड मुझे अच्छे लगे दूसरा मेरे एग्जिबिटर्स के मुझे फोन आ रहे थे कि विजय जी रास्कल पिक्चर अच्छी लग रही है कौन लेके आ रहा है अरे वाह मतलब गरम ने है तक कोई नहीं लाया है पिक्चर गरम थी और एड मुझे अच्छे लगे थे मैंने निगोशिएट किया गणेश भाई से उसके बाद मिस्टर गणेश जैन से बात करने के बाद गणेश जैन मीनस कुछ बात तय हुई उसके बाद मैंने जयंती भाई से और राहुल गुप्ता से बात की उन दोनों का जी आपको अच्छी लग रही है वी आर इंटरेस्टेड दोनों की मैंने बॉम्बे मीटिंग कराई और वहां पर मीटिंग में दोनों ने हाथ मिला के ज्वाइन वेंचर फाइनल किया अरे अरे वाँ। वाँ। और और अब आप जब आगे आगे आपने आगे खरीद ली और आप रिलीज करने जा रहे हैं तो एग्जीबिटर्स का रिस्पांस वैसा ही है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल बिल्कुल उससे बेटर ही है मतलब रिस्पॉन्स इज वेरी गुड जो मैं सोच रहा था उससे बेटर रिस्पॉन्स है फिल्म को एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड चेन ऑफ सिनेमा ऑन वेरी गुड टर्म्स वेरी oh, गुड और एक अच्छी बात इस फिल्म के साथ यह है कि उस इसके बाद मतलब दशहरे के बाद कोई बड़ी रिलीज नहीं है राइट अप टू रावण ऑन दिवाली राइट जी जी हाँ कोई बड़ी पिक्चर नहीं है तीन hmm. भी पूरे ओपन है वेरी गुड वेरी गुड जयंती भाई आप खुश हैं इस डील से आ, हम तो बहुत खुश हैं ये वैसे हमने विजय जी से दोस्ती तो बहुत साल हो गए इसलिए उसमें कोई शक नहीं था करेक्ट और एक डिवीजन खोल के, uh -huh. के आगे की ये साल की चार पांच अच्छी पिक्चरें करेंगे okay. ताकि एक अच्छी ऑफिस हमको मिली ओह वेरी गुड वेरी गुड मतलब ये एक uh -huh. नया वेंचर आपका हो गया आपका और गुप्ता साहब का करेक्ट वेरी गुड एक्चुअली आपका गुप्ता साहब का और ब्रिजेश जी का तीनों का करेक्ट करेक्ट वैसे आ, ये मेहनत पूरी जी की है अरे वाह अरे वाह चलो ब्रिजेश ब्रिजेश जी, जी मेहनत hmm. फल लाएगी बिल्कुल लाएगी एंड इंटेंशन uh, ah. जब अच्छे हैं तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही है थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू जयंती भाई एंड ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू ब्रिजेश जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच कोमल थैंक यू थैंक यूं जी थैंक यू तो जयंती भाई और ब्रिजेश टंडन साहब से आपने ये जाना कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस चेंज हो रहा है

फर्स्ट वीक में 50 परसेंट ही दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को सेकेंड वीक में 45 परसेंट ही दिया जाएगा सो इट्स ऑल सेंट्रलाइज्ड इसलिए एक जगह से एक इंसान ऑल इंडिया की बुकिंग कर सकता है दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई देर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सिर्फ अपने सर्किट के बजाय ऑल इंडिया राइट्स खरीदते हैं कभी कभी ऑल वर्ल्ड राइट्स भी खरीद लेते हैं एंड अगर उनका ऑफिस ओवरसीज के लिए नहीं है फिर वो ऑल वर्ल्ड राइट्स खरीद के इंडिया में खुद रिलीज करते हैं एंड ओवरसीज राइट्स किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम सिंपलर एंड बिकॉज सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है तो मल्टीप्लेक्सेस जो मशरूम हुए जो आए हैं इंडिया भर में उसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बदल रहा है प्लस ऑफकोर्स द स्टेक्स हायर आप ये कहेंगे मगर क्योंकि स्टेक्स हायर है द प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो हायर अगर कोई सिर्फ दिल्ली यूपी या सिर्फ बॉम्बे के राइट्स खरीदते हैं में मेक अ प्रॉफिट ऑफ फाइव और सेवन करोड़ लेकिन ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड राइड्स खरीदते हैं तो द प्रॉफिटेबिलिटी कूड गो अप टू ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ थर्टी करोड़ तो डेफिनेटली लार्जर द रिस्क बेटर द प्रॉफिट इट वर्क्स द अदर वे अराउंड ऑल्सो कभी फिल्म फ्लॉप हो जाती है देन लार्जर द रिस्क लार्जर द लॉसेज बट दैट्स द वे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हैज चीन